अस्सलामुअलैकुम। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट सेल सेल इंटरेक्शन। सो अब सेल सेल इंटरेक्शन जो होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सेल इंटरेक्शंस होते हैं जो हमारे बुक में दिए गए हैं। दैट्स फोर फोर टाइप्स दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस को हम एक्लूडिंग जंक्शंस भी कहते हैं, एक्लूडिंग जंक्शंस। अब टाइट जंक्शंस जो होते हैं, जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, मैं आप लोगों को डायग्राम्स भी बताऊंगा, सॉरी डायग्राम्स भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल जो है सिर्फ रिटन मटेरियल देख लेते हैं, ठीक है। टाइट जंक्शंस जो होते हैं, एक टाइट कनेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इससे हमारे पास पैरासेलुलर मूवमेंट इससे बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। फिर इसमें जो हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं ना, दैट्स ऑक्लोडिन एंड क्लोडिन, ठीक है। टाइट जंक्शंस है, ऑक्लोडिंग जंक्शंस भी कहते हैं। इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं दैट्स ऑक्लोडिन एंड क्लोडिन, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, सॉरी वेट अ मिनट, दैट्स अ वीडियो, सो वेट अ सेकेंड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट्स डेस्मोसोम और एंकरिंग जंक्शन, ठीक है। अब जो डेस्मोसोम होता है ना, इसमें हमारे पास सेल सेल इंटरेक्शन होती है और हमारे पास सेल और मैटर के बीच में इंटरेक्शन होती है, ठीक है। डेस्मोसोम में हमारे पास जो प्रोटीन होता है दैट्स कैडहेरिन, ठीक है, कैडहेरिन होता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डेस्मोसोम्स या एंकरिंग जंक्शंस होते हैं, स्पॉट डेस्मोसोम, बेल्ट डेस्मोसोम, हेमी डेस्मोसोम। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल जो है हम सिर्फ रिटन मटेरियल देख लेते हैं, बाकी फिर देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम करते हैं क्या है स्पॉट डेस्मोसोम। स्पॉट डेस्मोसोम जो होता है, ये हमारे पास इसको हम मैकुला एडहेरिन भी कहते हैं। ये हमारे पास बिटवीन द सेल होता है, लेकिन ये रूवेट की तरह होता है। व्हाट इज़ रूवेट? रूवेट बस याद रखना है कि ये एक सुई की तरह चीज़ होती है, मतलब इतना छोटा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो कैडहेरिन इसमें होता है ना स्पॉट डेस्मोसोम में, वो ये होता है हेमी हेमीगैटिलिन एंड हेमीकोलिन। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बुक में नहीं है तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद बेल्ट डेस्मोसोम पे आते हैं। बेल्ट डेस्मोसोम जो होता है दो सेल्स के बीच में होता है, लेकिन बेल्ट की तरह होता है, ज़्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। फिर इसमें जो हमारे पास कैनक्स वो यूज़ हुआ है ना प्रोटीन, दैट्स कैडहेरिन, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें शेप और मोटिलिटी वगैरह में इसका रोल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो रिलेटेड होता है ना, ये एक्टिन फिलामेंट्स के सारी जरिए से रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है। और जो स्पॉट होता है वो इंटरमीडिएट के जरिए से एसोसिएटेड होता है। हेमीडेस्मोसोम सेल्स टू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स या सेल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल्स टू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें जो हेमीडेस्मोसोम में जो हमारे पास प्रोटीन होता है दैट्स कॉल्ड इंटीग्रिन, ठीक है। एंड दैट्स इट, और बस इसमें और कुछ भी नहीं है। सेल और एक्सट्रेलो मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन, और हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट्स वेर सेकेंड। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं गैप जंक्शंस, ठीक है। गैप जंक्शंस जो है, हमने पहले ही हमें पता है सेकेंड ईयर की नॉलेज से, गैप जंक्शन जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट सेल्स के बीच में होते हैं। इनके बीच में कांटेक्ट इस तरह होता है कि हमारे पास जो होते हैं आयंस वगैरह की ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह में हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब गैप जंक्शन भी हो गए, अब हम लोग सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं और बस फिर ख़त्म हो गए, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना, ये डायग्राम है, इससे मैं दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर लूँगा, क्योंकि मैंने जो साइटोसेल स्केलेटन की वीडियो थी उसमें डायग्राम नहीं दिखाई थी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो ये है, ये जो हमें ये फाइबर्स की तरह नजर आ रहा है दैट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये एक्टिन है, और सॉरी दूसरा कहाँ गया, चलें बस ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट हो गया, ये जो है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया,
माइक्रोट्यूब्यूल इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, टाइट जंक्शन हमने कहा था, किस टाइट जंक्शन को हमने ट्रूडिंग जंक्शन कहा था, एक्लूडिन और क्लोडिन से बना था, इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस नहीं होते। फिर इसके बाद हमारे पास जो है डेस्मोसोम्स आए थे। डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो सेलो सेल और सेलो मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन होती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डेस्मोसोम्स होते हैं हमारे पास, जो है बेल्ट डेस्मोसोम होते हैं, हमने पढ़ा था स्पॉट डेस्मोसोम होते हैं, हेमी डेस्मोसोम वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास हेमी डेस्मोसोम है, इसमें हमारे पास इंटीग्रिन होता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो गैप जंक्शंस है, गैप जंक्शंस जिसको कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहते हैं, जिसमें उसमें जो प्रोटीन होती है दैट्स कॉल्ड द कैनेक जोन, ठीक है। और बस आई गेस दैट्स इट।